ये दो चीजें हैं जिनका आज की दुनिया में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है, यही डिप्रेशन का मुख्य कारण है। अगर आपको सिर्फ शारीरिक काम करना हो तो आप एक तरह से खाएंगे, मानसिक काम हो तो दूसरे तरीके से, तो सही तरह का भोजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी कि आप या तो बीमार हैं या आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से जल्द ही बीमार होने वाले हैं। अगर ये हासिल हो जाता है तो आपके पास काफी हद तक पूर्ण मनुष्य होंगे जो अपना जीवन पूरी तरह से जिएंगे। हेल्थ शब्द का मूल है होल, यानी पूर्ण, यानी स्वस्थ महसूस करने का मतलब है अपने अंदर पूर्णता की भावना। ऐसा होने के लिए हमारा शरीर जीवंत होना चाहिए, हमारी शारीरिक ऊर्जाएं जीवंत होनी चाहिए, हमारा मन खुश होना चाहिए, भावनाओं में उत्साह होना चाहिए, तभी आप पूर्णता की भावना महसूस करते हैं। मूल रूप से मनुष्य में बाहरी कामों के लिए कुछ मात्रा में ऊर्जा तय होती है। बुद्धि चलाने के लिए कुछ ऊर्जा तय होती है, भावनाओं के लिए कुछ ऊर्जा तय होती है, इसी तरह अलग अलग ऊर्जाएं तय होती हैं। ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, पर आमतौर पर जो ऊर्जाएं तय की गई हैं विशेष रूप से शारीरिक काम और भावनात्मक आयाम के लिए, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका आज की दुनिया में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है, यही डिप्रेशन का मुख्य कारण है, मेरा विश्वास कीजिए। लोग कई मानसिक बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मेरे पास लाते हैं। मैं उन्हें सिर्फ एक बात बताता हूँ, कोई खेल जो उन्हें पसंद हो, तैराकी, टेनिस, कुछ भी, और संगीत। These two things you bring into their life with... अगर ये दो चीजों को आप उनके जीवन में लाते हैं तो 3 महीने में ज्यादातर बच्चे, 80-85% बच्चे काफी शानदार तरीके से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भावनाओं को व्यक्त करे बिना और भौतिक शरीर को पर्याप्त मेहनत मिले बिना वो पक्का डिप्रेशन में जाएंगे। आजकल ऐसा हो गया है, सूर्योदय मतलब लोग अपने फोन स्क्रीन पर देखते हैं, सूर्यास्त मतलब लोग अपनी फोन स्क्रीन पर देखते हैं। हाँ, तो हमारे जीवन की मदद करने वाले और उसे मैनेज करने वाली सभी चीजों के साथ संबंध खो देना, ये भविष्य की एक गंभीर चुनौती होगी। पर ये एक चीज है जो आप कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो छुट्टी मनाने के लिए उन्हें मुंबई, बेंगलोर, दुबई या दूसरी जगह पर न ले जाएं, बस उन्हें किसी जंगल में जाएं, या उन्हें किसी छोटी सी नाव पर ले जाएं, या कुछ भी, उनका प्रकृति से जुड़ना जरूरी है। आप देखेंगे कि बच्चे बहुत उत्साहित हो जाएंगे और वो कितना शामिल हो जाएंगे। आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है अगर आप प्रकृति के तत्वों, पानी, मिट्टी, प्रकाश और ऐसी चीजों के संपर्क में रहे तो। आप जितने ज्यादा संपर्क में रहेंगे, आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उतने ही संतुलित होंगे। ऐसा हर इंसान के साथ जरूर होना चाहिए। इस देश में हमने भोजन के ऐसे नियम बनाए हैं, अगर आपको सिर्फ शारीरिक काम करना है तो आप एक तरह से खाते हैं, मानसिक काम हो तो दूसरा तरीका। पर आज हम में से कोई भी वैसी स्थिति में नहीं है, हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीकों से तेज होना पड़ता है ना? सिर्फ शारीरिक या सिर्फ मानसिक मेहनत के दिन गए, हम सभी को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अच्छा होना चाहिए। इसीलिए सही तरह का खाना खाना बहुत जरूरी होता है, विशेष रूप से कुछ चीजें जो बहुत सकारात्मक है, वे हैं एशगार्ड या सफेद पेठा। अगर आप हर दिन एक ग्लास सफेद पेठे के रस का सेवन करते हैं तो आप साफ देखेंगे कि आपकी बुद्धि अपने आप तेज हो जाएगी, आप मानसिक रूप से बहुत तेज हो जाएंगे अभी से कहीं ज्यादा। खासकर बच्चों को सफेद पेठे का रस जरूर पीना चाहिए। सफेद पेठे का रोजाना सेवन करने से आप साफ देखेंगे कि आपका दिमाग स्पष्ट और तेज हो जाएगा। दिस विल बी नोटिसेबल विद इन अ फ्यू वीक्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ एशगार्ड। अगर आप कॉफी पीते हैं तो ये आपको ऊर्जा के साथ उत्तेजना भी देती है। सफेद पेठे का जूस पिए, इससे आपको भारी मात्रा में ऊर्जा मिलती है और साथ ही ये आपको बहुत ज्यादा शांत रखता है। शहद का रोजाना सेवन भी आपके लिए अद्भुत काम कर सकता है। खासकर आपके घर में बच्चे हैं तो शहद को अपने भोजन का एक हिस्सा बनाएं। मानसिक स्थिरता, शारीरिक खुशहाली और जीवन शक्ति, बस रोजाना शहद खाकर इन सभी चीजों को काफी बढ़ाया जा सकता है।
क्या आप जानते हैं कि शरीर में जो भी सफाई की प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे आपकी आंतों की सफाई हो या मूत्राशय का खाली होना या फिर सांस छोड़ना, पसीना, ये सब अलग तरीके हैं जिनसे शरीर खुद को साफ करने की कोशिश कर रहा है। इन सभी चीजों में सब लोगों के शरीर की काबिलियत अलग अलग होती है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, अगर आपकी सेहत बिल्कुल बढ़िया है और अगर आप सही तरह का खाना खा रहे हैं, तो जब आप मल त्यागते हैं तब आपकी बड़ी आंत में कुछ भी, एक तिनका भी नहीं रहना चाहिए, सब कुछ निकल जाना चाहिए। योग विज्ञान में यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बड़ी आंत का साफ होना, वरना उसका असर आपके दिमाग पर होगा। वाकई आपका कोलन या बड़ी आंत का साफ न होना और मानसिक गड़बड़ी, ये दोनों चीजें सीधी जुड़ी हुई हैं। योग विज्ञान की जीवन की समझ के अनुसार सुबह जागने के बाद 20 मिनट के अंदर स्वाभाविक रूप से अगर आंतें खुद को पूरी तरह से खाली नहीं करती हैं, That means you are in ill health or you are heading there quickly. तो यानी कि आप बीमार हैं या आप शारीरिक और मानसिक रूप से जल्द ही बीमार होने वाले हैं। इन दोनों में से कोई भी जो आप में ज्यादा कमजोर है वो पहले खराब होगा। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी जो भी समस्या हो सबसे पहले वो आपकी आंत साफ करेगा, क्योंकि बड़ी आंत को साफ रखना बहुत जरूरी है। आपके पास अभी सिर्फ चार चीजें हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा। अगर आप इन चार चीजों को अच्छे से मैनेज करते हैं तो वे आपके लिए एक खास तरह का जीवन बनाएंगी। अगर आपके पास स्वस्थ शरीर है तो आप एक तरह से जिएंगे। अगर आपके पास एक बहुत ही स्थिर और तेज दिमाग है तो आप दूसरे तरीके से जिएंगे। अगर आपके पास स्थिर और उल्लासित भावनाएं हैं तो आप दूसरे तरीके से जिएंगे। अगर आपकी ऊर्जा उत्साह से भरपूर है, जो संतुलित भी है, तो आप दूसरे तरीके से जिएंगे। अब ज्यादातर लोग जो अपने जीवन में अलग स्तर की गतिविधि में हैं, उनके लिए इन चारों चीजों का उचित स्थिति में होना जरूरी है। तो इनर इंजीनियरिंग इसी दिशा में एक कोशिश है कि कैसे कोई इंसान शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आनंद और भावनात्मक स्थिरता, उत्साही और उल्लासित ऊर्जा और भीतरी संतुलन पा सके। अगर ये हासिल हो जाता है तो आपके पास काफी हद तक पूर्ण मनुष्य होंगे जो अपना जीवन पूरी तरह से जिएंगे।